टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बिना ऑयल के पनीर की सब्जी। इसके लिए हमने 3 मीडियम साइज ओनियन को फाइनली चॉप कर लिया है और 3 बड़े टमाटर की प्यूरी बना के रेडी कर ली है। एक नॉनस्टिक पैन में हम ये ओनियंस ऐड कर देंगे, उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और थोड़ी देर उसको सोते कर लेंगे। थोड़ी देर बाद ओनियन का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तब हम इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे और उसको धीमी आंच पर पकाएंगे। हमारी ओनियन पक रही है तब तक हम दही में स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम डायरेक्ट इसमें मसाले डालेंगे तो तेल नहीं है इसलिए जलने का डर रहेगा। हम दही में मसाले ऐड कर देंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले वाला दही हम हमारे ओनियन में ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको 5-7 मिनट तक पकने देंगे। बाद में हम इसमें हमारी तैयार की हुई टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद भी हम इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे। जब उसका सारा पानी ख़त्म हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। थोड़ी देर बाद हम इसमें मैगी मसाला ऐड कर देंगे। मैगी मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हमारी ग्रेवी पक्के रेडी हो गई है। अब हम इसमें 200 ग्राम पनीर ऐड कर देंगे। पनीर को हमने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। पनीर ऐड करने के बाद भी हम उसे 3-4 मिनट तक पकाएंगे। अब हम उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। तो बनके रेडी हो गई है हमारी सब्जी, जो बिना ऑयल के भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।